अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमन जोन। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने की रेसिपी। और ये रेसिपी बहुत इजी है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में ले लिया है 1/4 कप शुगर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉफ़ी। आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने नेस्कॉफ़ी लिया है। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 to 3 teaspoon हॉट वाटर। ये गर्म पानी है, 2 से 3 teaspoon ही हमें सिर्फ ऐड करना है। और अब हम इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। और व्यूअर्स, अब आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा। हमें इसे बीट करना है जब तक इसका बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। ये सारा प्रोसेस होने के लिए हमें 20 to 30 minutes लगते हैं। अगर आप इसे क्विक करना चाहते हो तो शुगर जो है शुगर पाउडर के फॉर्म में आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये रेसिपी जो है आपको 10 to 15 minutes में ही बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रीम फॉर्म में ये आ गई है। तो बस अब ये कॉफ़ी मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। हम इसे एक कंटेनर में डाल के रख सकते हैं फ्रिज में और इसे हफ्ता भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसकी हम कॉफ़ी किस तरह से बनाएंगे, बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है और 1.5 teaspoon ये कॉफ़ी और शुगर का मिक्सचर ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हॉट मिल्क, लेकिन हमें एक साथ सारा मिल्क नहीं डालना है। पहले हम 1/4 कप लेंगे और इस मिक्सचर को मिल्क के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। हम इस पे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर या कोको पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं और हमारी मज़ेदार कैपेचिनो कॉफ़ी रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइए और ठंडियों का मज़ा लीजिए। ये देख सकते हैं आप के बाज़ार से मिलने वाली कॉफ़ी जैसे होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा झाग होता है ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से हम घर में भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।